Hello guys, welcome back to my channel. Here we are with a new video related to English vocabulary words. 10 new vocabulary words with its meaning and sentences explained in very easiest way to help up your communication skill and help you to interact in a proper manner. Do share this video with your friends so that even they can learn new 10 vocabulary words and even they will come to know how and where we should use this kind of words. And you are new on my channel, kindly subscribe to my channel and hit on the bell icon so that you never miss any kind of update from my side. So let's begin with our video. Surprise, nervous, merry, flimsy, hovel, dingy, ill, ponder, flattery, pretend. Let's see now meaning and sentences. Surprise. What does surprise mean? Shock. The feeling that you have when something happens that you do not expect. Yani, surprise aise nahi hai sirf khushi ke isme ho ya kaise ho. The surprise can be at any situation. Whenever you are sad or happy, any time. बट ओनली द इट्स प्रॉपर मीनिंग इज़ जो अचानक से ये चीज़ होती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये चीज़ ऐसे इस तरीके से होगी, तो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे आप सरप्राइज वर्ड यूज़ कर सकते हो. लेट्स सी द सेंटेंस. शी वॉज सरप्राइज वेन शी सॉ द घोस्ट. घोस्ट का मतलब यानी भूत. वो एकदम सरप्राइज यानी शॉक हो गई, अचानक से हो गई उसने जब भूत देखा. नेक्स्ट वर्ड नर्वस, टेंस, बींग वरीड. नर्वस का मतलब यानी क्या? टेंस यानी बहुत ज़्यादा वरीड करना. वरीड का मतलब यानी अचानक से चिंताजनक सिचुएशन में आ जाना. कोई सिचुएशन को ऐसे मतलब परफॉर्मेंस के टाइम पे हो या किसी चीज़ के टाइम पे हो, हम बहुत ज़्यादा चिंताजनक में आ जाते हैं. अपने आप पे जब स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस लूज करने रहते हैं तो तब ये सिचुएशन हमारे इसमें बिल्ड होती है. तो लेट्स सी द सेंटेंस. आर यू नर्वस अबाउट इट? नेक्स्ट मेरी. मेरी और हैप्पी. हैप्पी तो आपको पता है क्या होता है, यानी खुश रहना. तो मेरी और हैप्पी बोथ आर द सेम वर्ड्स. सो लेट्स सी द सेंटेंस. मेरी क्रिसमस टू ऑल. जब भी हैप्पी सिचुएशन में, हैप्पी वर्ड के टाइम पे आप मेरी भी यूज़ कर सकते हो, हैप्पी क्रिसमस भी बोल सकते हो. पर लगभग ट्रेंड बनते आ रहा है कि हम क्या यूज़ करते हैं, मैरी क्रिसमस. जब आप किसी को हैप्पी मॉर्निंग बोलते हो या किसी चीज़ के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हो, हैप्पी फॉर यू, मैरी फॉर यू, ऐसे भी कह सकते हो. नेक्स्ट वर्ड फ्लिम्सी. फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है? नॉट स्ट्रॉन्ग, ईजीली ब्रोकन, वीक. यानी जो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, कोई भी चीज़ एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है, उसे हम कहेंगे फ्लिम्सी. फ्लिम्सी का सेंटेंस देखेंगे. फ्लिम्सी पेपर वॉलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. वॉलेट यानी क्या? पर्स, जो जेंट्स यूज़ करते हैं. तो जो पेपर के वॉलेट है वो बिल्कुल फ्लिम्सी कंडीशन में. फ्लिम्सी कंडीशन यानी क्या? ईजीली जो ब्रोक आउट हो जाते हैं, वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे हम कहेंगे फ्लिम्सी. नेक्स्ट वर्ड हॉवल. हॉवल का क्या मतलब होता है? अ स्मॉल रूम इन अ बैड कंडीशन. ज़्यादा करके ये कंडीशन कहाँ पर पाई जाती है? बैचलर्स के रूम में, हॉस्टलर्स के रूम में, जहाँ पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि अपने रूम को मेसअप से क्लियर कर पाए, यानी उसे क्लीन रख पाए. हमेशा वो मेस्ड अप होता है, मतलब पूरी तरह बिखरा हुआ रहता है, जो अच्छे से कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है. तब उस कंडीशन, उस बैड रूम को हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे वर्ड क्या देंगे कि ये रूम बड़ा ही हॉवल है, यानी बैड कंडीशन में है. लेट्स सी द सेंटेंस. The bee moved into the gardener's hovel. Next word, dingy, dirty and dark. Dingy का मतलब क्या होता है? बहुत ही गंदा और dark. Sentence, her hair was a dingy brown color. उसके जो बाल है brown color के, यानी dark brown color के है और बहुत ही गंदे भी है. Maybe wash नहीं किए हो. Next word, L. एल का क्या मतलब होता है? सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, ट्रबल और अफ्लिक्ट समवन इन माइंड और बॉडी. यानी
डिजीज, जो हमारी कंडीशन बहुत ही पीड़ाजनक कहते हैं उसे, जो बहुत ज़्यादा हमें पीड़ा देती है हमारी बॉडी को, तो तब हम एल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अभी के सिचुएशन में ये तो काफ़ी मैच होता है कोरोना के सिचुएशन में। कोरोना जब भी जिसे होता है तो उनकी कंडीशन किस तरह होती है, एल कंडीशन होती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही होती है। ये डिजीज़ इतनी डेंजरस है कि इसके वैक्सीन आने के बाद भी कोई ना कोई नए वेरियंट्स निकलते ही जा रहे हैं, तो तब हम उनकी जो कोई भी ह्यूमन के बॉडी में जो है, तो हम कह सकते हैं हीज और हर बॉडी इज इन एल कंडीशन। लेट्स सी द सेंटेंस। अ कॉमन एल दैट अफ्लिक्ट्स पीपल व्हेन दे हैव अ कोल्ड इन अ रनिंग नोज, यानी जब भी नाक बहती है तब हमारी कंडीशन पीड़ाजनक हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड पोंडर। पोंडर का क्या मीनिंग होता है? टू थिंक अबाउट समथिंग carefully और for a long time, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ही टाइम से सोचते आना। या कभी ऐसे होता है हमारी कोई पेपर अच्छा ना गया हो, या कोई सिचुएशन अच्छी नहीं रही हो, या किसी ने हमें बहुत टाइम से हर्ट किया हो, तो उसी सिचुएशन पे बार बार बहुत ही टाइम तक सोचते रहना, तो उस कंडीशन को हम क्या कंसिडर करेंगे? पोंडर। तब हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे कि इसकी कंडीशन, मतलब ये पूरा पोंडर काइंड का बिहेवियर है, यानी बहुत लॉन्ग टाइम से ये उसी बात को प्रोसेस करते आ रहा है, उसी बात पे सोचते आ रहा है। लेट्स सी द सेंटेंस। आई डोंट इवन लाइक टू पोंडर द आइडियाज ऑफ स्पाइडर्स और स्नेक्स। नेक्स्ट वर्ड फ्लैटरी। अभी हम देखेंगे लास्ट सेकेंड वर्ड फ्लैटरी। फ्लैटरी का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट यू डू नॉट रियली मीन, यानी जो आप मीन भी नहीं करते हो किसी को बोलना। इन शॉर्टली चापलूसी करना। किसी की चापलूसी हम कब करते हैं? हमारे मन में उसके लिए कोई अच्छी भावना नहीं भी हो, हमें वो बंदा या बंदी पसंद भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसकी बड़ाइयाँ करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं और उसके हाँ में हाँ डालते जाते हैं, तो तब क्या करते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, उसी के हाँ में हाँ बोलते रहते हैं, जैसा वो कहे वैसा करते रहते हैं। चापलूसपने को हम कहेंगे फ्लैटरी। लेट्स सी द सेंटेंस ऑफ फ्लैटरी। Many time to impress someone, people usually follow flattery rule. किसी को impress करने के time पे लोग कौन सा ये rule use करते हैं? Flattery का। उसके आगे पीछे ये करना ताकि उसे अच्छा लगे कि नहीं, ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। और यही हमारी condition है जो wrong में जाती है, कि हम ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। Let's go into the practical manner. And now let's see the last word. The last word is pretend. प्रिटेंड का मीनिंग देखें। टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी ऐसे दिखाना कि भाई मुझे ये बात को कुछ पता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उस बात से नाकार कर देना। पता होने के बाद भी फिर भी हम ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, मुझे तो वो बात में पता ही नहीं है, आई डोंट नो दिस थिंग। तो उस तब वो सिचुएशन में, वो टाइम पे हम क्या बोलते हैं, प्रिटेंड कर रहा है, यानी नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो स्टॉप प्रिटेंडिंग, नाटक करना बंद करो। मतलब पता होने के बाद भी जब हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं पता है, तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? प्रिटेंड वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी ये वीडियो देख के न्यू 10 वर्ड सीख पाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।